दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कॉम्बिनेशन की, जिसका यूज़ बाइनोमियल में है, जिसका यूज़ कॉम्बिनेशन में हर जगह। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में कि कैसे कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अभी केवल इस पर अपन फोकस करते हैं और इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप रिजल्ट पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सबसे पहले इसको एक्सपांड दोनों तरीके से, ये दो तरीके से रिजल्ट पूछा जा सकता है, NCR NCR+1, दोनों में कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। आप ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होना, R-1 है तो उसके बाद R है तो उसके बाद में उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर R+1 है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ा होता है वो आ जाता है, जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है, R, तो यहाँ R आ गया। और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए तो एक नंबर बढ़ जाता है। यहाँ भी देखो, यहाँ दोनों सेम है तो एक नंबर बढ़ गया। अगर यहाँ N+1 लिखे होते तो यहाँ पर N+2 हो जाता है। जिसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि व्हाट इज 7C2+7C3, तो आप देखो यहाँ दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो जो कॉन्जिक्यूटिव में बड़ा वाला है वो आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, क्या 7+1 यानी एक ये बढ़ जाएगा और नीचे जो बड़ा है वो आ जाएगा, तो ये 8C3 हो जाएगा। अब आप 8C3 कैलकुलेट कर लें, और भी बड़ा हो सकता है ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6C2 लिखा है, 6C3 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है आपके पास 7C4, तो किस तरीके से ऐड होगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, इन दोनों में जो बड़ा वाला है वो आ जाएगा। यहाँ पर कौन होगा, 7C4, तो 7, इन दो ये दोनों सेम है तो ये एक बड़ा नंबर आ जाएगा, 7+1 8 फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पर बड़ा आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8C4। अब आप 8C4 को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, NCR इज व्हाट, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, N·N·R × R·। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस रिजल्ट को खुद ट्राई करेंगे, N·R+1 × R+1। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, तो अब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला तो आपको पिक्चर क्लियर होगा, नीचे वाले पिक्चर में थोड़ी सी आपको समस्या है, तो पहले उसको दूर कर लेते हैं। आप साथ साथ बने रहेंगे, देखते रहेंगे, और ये फॉर्मूला है NCR = this much, तो आपको ये आता होगा और आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा N−R−1 R+1 factorial, ठीक है, इसको पहले ओपन कर दिया। अब इसको ओपन कर दें, तो ओपन करने के लिए क्या है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड से N·, इन दोनों में N−R और N−R−1 में छोटा कौन है, छोटा ये है, बड़ा ये है, N−R में से कुछ कम हुआ, इसमें N−R है, तो इसको ओपन करेंगे। कब तक ओपन करेंगे, जब तक कि वो नहीं आ जाए, तो वो आ गया अगली बार में N−R−1, ये आ गया। इन दोनों में कौन बड़ा है, R+1 और R में R+1 बड़ा है, तो उसको ओपन करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे, तो आ जाएगा N·N−R−1 और ये हो जाएगा R+1 × R·। अब दोस्तों, कॉमन लेने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कर देते हैं, तो कॉमन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों और अच्छा रिजल्ट है इसको, और सभी बच्चे इसको ध्यान रखते हैं। N·N·, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, N−R−1 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, जब बचेगा अंदर क्या, 1 बचेगा आपके पास N−R+, इसमें क्या बचेगा आपके पास 1, ये दोनों कॉमन आ गए तो R+, ये दोनों कॉमन आ गए ये और ये, तो R+1 बच गया आपके पास। अब आप यहाँ एलसीएम ले लें, R+1 + N−R
एन माइनस आर आर प्लस वन, ये आर आर कैंसिल हो गए आपके, ये हो गया आपका एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। इसको अब ऐसे लिख दें आप, एन प्लस वन को, ये जो एन प्लस वन है उसको फर्स्ट में लिख दें, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन में, अपॉन में देखिए इसको पहले लिख दें इसके, तो ये हो गया एन माइनस आर इंटू एक फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, और आर प्लस वन और आर में इसको पहले लिख दें आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल आर। अब आप इसको क्लब भी कर सकते हैं, क्लब मतलब जैसे हमने इसको ओपन किया था ना दोस्तों, ये देखिए एन माइनस आर को मैंने ओपन किया था, एन माइनस आर माइनस वन, जैसे मैं आपको बताता हूँ सेवन फैक्टोरियल लिखा है, तो सेवन फैक्टोरियल को ओपन करके हम क्या लिख देते हैं, सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिख देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो वापस इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अंदर, तो सेवन फैक्टोरियल हो गया। तो ये देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है, ओ सॉरी ये दोनों एक जैसे हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव हैं, इसके बाद ये है, जैसे ये सेवन है तो ये उससे कम है, सिक्स फैक्टोरियल टाइप है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये देखिए एन प्लस वन और एन ये भी कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये भी उसी तरह से सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल तरह के, ये सेवन है तो ये सिक्स है, तो इसको वापस सेवन फैक्टोरियल मतलब एन प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं, ये भी एक उसी टाइप का है जैसा ये है, तो इसको लिख सकते हो आप आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो आप आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख दें। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आपको क्या लिखना है, राइट हैंड साइड देखना चाहते हो आप राइट हैंड साइड देख लो, ये आपने राइट हैंड साइड देखिए, देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपकी एन प्लस वन सी आर प्लस वन। मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो आप सोचोगे कि हमें कैसे याद रहेगा कि ये एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस दिस, देखो इनटू में आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, वन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, एल एच एस इज इक्वल टू वॉट, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस वॉट इज दिस, हैंस प्रूव्ड। तो ये था दोस्तों बहुत अच्छा डेरिवेशन, एक नंबर का डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और लोग पूछते हैं इसको, एग्जाम्स में आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 11th क्लास में हो तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इवन दिस मे बी आस्क्ड इन बाइनोमियल थ्योरम, और ये रिजल्ट का यूज़ तो आपको हमेशा होता ही रहेगा, और आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वाले रिजल्ट को ज़रूर से प्रूव करें और मुझे बताएं कि आप इसको कर पाए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, और मेरी बेस्ट विशेष है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9196856980056, आई एम अवेलेबल एट दिस फॉर यू 24x7 hours, क्लियर। तो माय बेस्ट विशेष विद यू, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों तक बात पहुंचाना, इसे आगे बढ़ाना आपकी ड्यूटी है, मेरी बेस्ट विशेष है आपको, ऑल द बेस्ट।